हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर। आज हम लोग यूपी लेखपाल के ग्राम समाज एवं विकास विषय से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हमारा आज ग्राम समाज एवं विकास का टेस्ट पेपर 9 है। इसके पहले हमने 8 टेस्ट पेपर करा दिए हैं, अगर आप लोग ना देखे हों तो ज़रूर देखें, यहाँ से आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में भूमि क्षेत्र का लगभग कितना भाग वन से आच्छादित है? 1/5, 1/4, 1/3 या फिर 2/5। तो भारत में भूमि क्षेत्र का लगभग 1/5 भाग जो है वन से आच्छादित है। वनों का जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। 2021 की रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत में 21.71% भूमि पर वन है जो जारी किया गया है, बताया गया है। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि मूल आयोग और भारतीय खाद्य निगम स्थापित हुए, कब स्थापित किया गया? 1965 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य था खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना। कृषि मूल आयोग का क्या कार्य था? खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना था। कब इसको लागू किया गया? 1965 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यकों का उन्नत करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो अंत्योदय अन्न योजना लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए एक सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। ये सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई। कब? 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई अंत्योदय अन्न योजना। और कहाँ, अगर पूछा जाए पहली बार कहाँ शुरू हुई, तो पहली बार राजस्थान में लागू की। ये क्वेश्चन आया है आयोग द्वारा पूछा है, ये मत समझिएगा कि वैसे बताया जा रहा है। सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना? राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को। तो आप लोग इन पॉइंट को भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैसा कि आप लोग दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। 1951, 1947, 1935, 1921। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष जो कहलाता है 1921 कहलाता है। इसका रीज़न क्या? 1921 से पहले कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी, परंतु 1921 के बाद से भारत की आबादी बढ़ती चली गई। इसी वजह से 1921 के साल को द ग्रेट डिवाइड कहें या महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। अब एक यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट कब किन दशकों के बीच हुआ? तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी आप लोग जानिए। जनसंख्या विस्फोट तो जो हुआ 1951-1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर पूछे महाविभाजन का वर्ष तो 1921, और पूछे जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है तो 1951-1981। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नील की खेती, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पीने योग्य जल की उपलब्धि। तो जो हमारी नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन से है। अगर इसका जनक पूछा जाए तो अरुण कृष्णन है। इसके जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? 1979, 1929, 1969, 1969। तो यहाँ से हमारा जो है 1929 ये विकल्प गलत है, 1969 होना चाहिए।
1969 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ? 1934, 1914, 1904, 1947। तो जो है भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है 1904 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रतिव्यक्ति आय। तो जो हमारा निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या है, ये हमारा जो है मानवीय विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है, और ये तीनों शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रतिव्यक्ति आय, ये तीनों जो है मानवीय विकास सूचकांक से संबंधित हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये जो है निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, ये मानवीय विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों का सूचक है? उच्च जन्म दर, उच्च निरक्षरता, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से ये सारे जो है आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों के सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी नहीं स्थापित किए गए हैं? सिक्किम व गोवा, बिहार व राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो सिक्किम और गोवा में जो है अभी ग्रामीण बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक है किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक होते हैं, जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हमारा जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये सारे जो है भूमि विकास बैंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लागू हुई है, उत्तर प्रदेश में 2006 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई? 1972-73 में, 1975-76 में, 1991-92। तो महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना जो है 1972-73 में लागू की गई थी। इंदिरा आवास योजना का कब प्रारंभ किया गया था? 1985-86, 1988-89, 1991-92 और 1993-94। तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ 1985-86 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, फिर पूछ रहा है, इंदिरा आवास योजना क्या है? 1989-90 में जो जवाहर आवास योजना से मिला दिया गया, 1996 में जवाहर आवास योजना से पृथक कर स्वतंत्र योजना का रूप दे दिया गया, या फिर 1985-86 में इसे जवाहर रोजगार आरियल ईजीपी की एक उपयोजना के रूप में लागू किया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की गई? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1986, 1988, 1990 और 1992 में। तो 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई, इसे बाद में वर्ष 1991 में क्या किया गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन नाम दे दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी यही पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय पेयजल मिशन का, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन नाम कब दिया गया? तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन से संबंधित हैं, 1991 में लागू की गई, संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्याओं को आगामी कुछ वर्षों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था, या फिर अगस्त 1985 में इस कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्रालय से ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से ये सारे कथन जो है राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए 1996 से चलाई गई संगम योजना या विश्वमित्र योजना या नारद योजना, इनमें से कोई नहीं। तो संगम योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए 1996 से लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया 15 अगस्त 1999 से, अप्रैल 2000 से, मार्च 1997 से, 12 नवंबर 1998 से। तो ये हमारा जो हो जाएगा, 15 अगस्त 1999 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अन्नपूर्णा योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई मार्च 1999 से, अप्रैल 2000 से, मार्च 2001 से, मार्च 2000
दो से। तो अन्नपूर्णा योजना जो थी वो 1999 से शुरुआत हुई, मार्च 1999 से शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कहाँ लागू है? वहाँ लागू है जहाँ महिला साक्षरता दर बहुत कम है। 15 अगस्त 1997 से लागू की गई। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे पॉइंट जो दिए हैं ये सभी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना से संबंधित हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू हुआ 1988-89 से, 1991-92 से, 1992-93 से, 1994-95 से। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो हमारा लागू हुआ 1988-89 से लागू हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम में क्या है? हरिजन, आदिवासी परिवार व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए है। ये भारत सरकार की योजना है, बिल्कुल सही। उक्त परिवारों का एक बत्ती कनेक्शन दिया जाता है, ये भी सही। उपयुक्त सभी, ये सारे कथन जो हैं कुटीर ज्योति कार्यक्रम से संबंधित हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब लागू की गई? 23 दिसंबर 1993, 23 दिसंबर 1995, 23 दिसंबर 1997, 23 दिसंबर 2000, 23 दिसंबर 2002। तो ये 23 दिसंबर 1993 को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना लागू की गई थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1995 या फिर 2 अक्टूबर 1996 या 2 अक्टूबर 1997। तो ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1993 से शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालिका समृद्धि योजना कब लागू की गई? बालिका समृद्धि योजना कब लागू की गई? एक बार हम जो है नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ऑप्शन मेरा गलत हो गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1995 या फिर 2 अक्टूबर 1996 या 2 अक्टूबर 1997। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधान बालिका समृद्धि योजना कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1997, 2 अक्टूबर 1999, 2 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2001। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये 2 अक्टूबर 1997 से बालिका समृद्धि योजना लागू है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक यू।